फॉर्म दिया था गूगल फॉर्म फिलअप करने के लिए जहाँ पे हमें पता चला कि ये सारे मोस्टली कॉमनली कॉमनलीस्ट क्वेश्चन है no you know, नो डाउट भी वो फॉर्म किया टीम विल कनेक्ट यू ऑन वन वन टू बेसिस इन 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 गोइंग दिस वीक वीक और दी नेक्स्ट ऑनवर्ड्स बट मोस्ट जिन्होंनेटली हम एक कॉमनली जो आस्ट क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम समझेंगे तो अगर आपकी क्वेरी इस सेशन में रिजोल्व होती है तो बेस्ट केस कैसारी हो जाएगा हमारे लिए भी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसे ये पर्टिकुलर फीचर्स यूज करने हैं आपको विथ हेल्प ऑफ ट्रेटलू तो बहुत सारे यूजर्स को कंफ्यूजन है इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस कैसे यूज करना है बहुत सारे यूजर्स गलत टाइप से ट्रेड ले रहे हैं दैट वी हैव कम टू अंडरस्टैंड की बहुत सारे यूजर्स जो है वो डायरेक्टली कुछ डेटा uh, देख के ही ट्रेड ले रहे सी डेटा इज मेंट फॉर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देंटिमेंट तो ये एक आप क्लियरली समझो कि डेटा के हिसाब से कभी ट्रेड लिए नहीं जाते ट्रेड्स आर बीन टेकन एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न एज पर योर एग्जीक्यूशन पैटर्न जैसे ये सारे पैटर्न्स हो गए बट विद हेल्प ऑफ डेटा यू विल ओनली अंडरस्टैंड कि बेसिकली मार्केट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है एट दैट करंट पॉइंट ऑफ टाइम सो दैट यू नीड टू बी क्लियर तो जब भी आप इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस देखते हो तो दैट इज नॉट यूज फॉर टेकिंग एनी बाय ट्रेड और एनी सेल ट्रेड योर बाय एंड ट्रेड एक्सिक्यूशन पैटर्न आर ओनली बेस्ड ऑन वॉट फॉर्मेट योर कैंडल स्टिक पैटर्न एंड योर ज पर ट्रेड क्लू वी है इनिशियशन तो ये बेसिकली फर्स्ट पॉइंटर हो जाता है तो बहुत सारे यूजर्स को एक कन्फ्यूजन है कि इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस कैसे यूज करना है सो so, हमने कुछ यहाँ पे पॉइंटर्स डॉट डाउन किए हैं जहाँ पे हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली कब चेक करना है आपको इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस तो इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस जो डेटा है मतलब नाइन फिफ्टीन को एक्जैक्टली exactly मुझे नहीं चेक करना ये डेटा ये डेटा आपको आना स्टार्ट हो जाएगा दैट विल कम टू यू फ्रॉम नाइन फोर्टी ए एम ऑनवर्ड्स मतलब नौ बज के चालीस मिनट बाद आपको ये बेसिकली इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस डेटा दिखाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो एक्चुअल डेटा मतलब 15 मिनट्स होने के बाद अराउंड 10 या 9:40 के बीच में स्टार्ट होता है एंड ऑन डेज ऑफ एक्सपायरी मतलब अगर समझो एक्सपायरी का नेक्स्ट डे है फ्राइडे फॉर एग्जांपल निफ्टी का एक्सपायरी हो गया फिर नेक्स्ट डे आता है फ्राइडे Friday, तो फ्राइडेज डेटा कम्स अराउंड 10 एम और 10:30 एम सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ये आपको डेटा मॉर्निंग आर में क्यों नहीं दिया जा रहा है इसकी कारण ये है कि देखो मॉर्निंग आर में जो मैक्सिमम ट्रेडर्स होते हैं दे ट्रेड एज पर प्राइस एक्शन उन्होंने कुछ ईओडी एनालिसिस की है हमने कुछ ब्रेकआउट लेवल्स मार्क किए कुछ ब्रेकडाउन लेवल्स मार्क किए सपोज एज पर रेड एंड ग्रीन बॉक्सिस ब्रेकआउट लेवल मार्क किए तो जो मॉर्निंग आर के ट्रेडर्स रहते वो डेटा ट्रेडर्स नहीं रहते वो, वो लोग उधर डेटा देख के कुछ भी मतलब नहीं है बिटवीन नाइन फोर्टी और योर डेटा विल स्टार्ट मोस्टली फ्रॉम दिस थिंग आफ्टर टेन ए एम जब मार्केट स्लैग पीरियड में चल जाता है या बेसिकली एक ऐसे लल पीरियड में चल जाता है कि आपको डेटा डेटा से देखना है कि बेसिकली कहा पे बिल्ट अप हो रहा है कहा पे बाइंग ज्यादा हो रही है या कौन से लेवल पे अपकमिंग रेजिस्टेंस होने जब मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है जैसे आपको पता है अभी सिंपल फॉर्मेट है रेड बॉक्स के ऊपर हम ब्रेकआउट के लिए प्लान करते हैं हमने यू ओवर एंड ओवर अगेन दिस पर्टिक्युलर ट्रेड है अनुसार आज लाइव कॉमेंट्री हो गई उसमें भी बैंक निफ्टी वी हैड सेड की वी हैव टू फोकस ऑन है अपसाइड क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट इज प्रेटी मच क्लियर तो जैसे हमने प्रीवियसली भी बताया कि जो ऑप्शन बायर होता है उनको बहुत कम दिन मिलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के एक हफ्ते में बट दैट डेज यू नीड टू ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंगली सो लेट्स चेक की इंट्रॉड ऑप्शन एनालिसिस कैसे वर्क करते हैं तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था मेजरली आज की वॉट टाइम टू चेक दी वाई डेटा सो चेक आफ्टर टेन एम जैसे दस बज जाते हैं, तो आप चेक कर सकते हो क्योंकि वन आवर का आपके पास एक प्रॉपर वे में कंसल्टेशन जो भी होता है उसका डेटा मिल जाता है उसके पहले आपको जो आपने ईओडी एनालिसिस की है मतलब जो आपने बिफोर द मार्केट एनालिसिस की है uh, कहाँ पे ब्रेकआउट जोन है सो इफ यू आर एन इंडेक्स ट्रेडर समझो अगर मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ या फिर निफ्टी में ट्रेड करता हूँ एंड दिस इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस डेटा इज ओनली अवेलेबल फॉर इंडेक्स स्टॉक्स के लिए अवेलेबल नहीं है ट्रेड क्लू पे क्योंकि जो इंडेक्स में जितनी लिक्विडिटी है इन ऑप्शन इट इज नॉट देर इन स्टॉक ऑप्शन सो दैट इज वाई वी आर नॉट गिविंग एंड इट इज ऑफ नो यूज टू बी चेकिंग स्टॉक्स का डेटा राइट सो बेसिकली इट विल बी important to understand आह uh, index data so now we are before the market starts मतलब जब market शुरू होने के पहले मुझे index में क्या देखना है एक तो मैंने जैसे पहले भी हमने mention किया कि आपको red and green boxes chart पे freely दिए गए हैं ठीक है just check red and green boxes और आपके no trading zones पहले mark कर दो so this is the step one of your trading to start your day before the market itself आप directly अगर system पे जाके बैठोगे so these things will only help if you are प्लानिंग टू मेक ट्रेडिंग गैम्बलिंग के लिए ट्रेड करे जस्ट कुछ बाय करना है सेल करना है तो इतनी आप मेहनत मत करो कुछ ना कुछ टिप्स कहाँ पे तो मिल जाएंगे बट अगर आपको एज अ सीरियस प्रोफेशन बनाना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स विच यू नीड टू फॉलो इट इन डिसिप्लिन मैनर तो अगर आप देखोगे तो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है तो रेड बॉक्स हो गया ग्रीन बॉक्स हो गया ये आपका नो ट्रेडिंग जोन हो जाता है राइट right? तो यहाँ पे आप कितना भी कुछ भी कर लो यहाँ पे आपकी ब्रेकआउट नहीं आने वाली है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स है यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है तो ये आपकी एनालिसिस एनालिसिस हो है, basically analysis हो जाती जाती है बेसिकली प्री मार्केट है अभी आपका ऑप्शंस डेटा जैसे हमने बताया कि आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो रेड एंड ग्रीन बॉक्सिस हो गए या बैंड हो गए सो इंडेक्स होता है तो बॉक्स हो गए आपके या ग्रीन एंड रेड डॉट्स के कारण हो गए एग्जीक्यूशन सो ये आपके एग्जीक्यूशन के हर ये हो जाते हैं पैरामीटर्स आपकी जो मार्केट सेंटिमेंट है सो व्हाट इज सेंटिमेंट बेसिकली सेंटिमेंट का मतलब क्या है कि मार्केट अभी क्या सोच रहे अभी बिग प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं मार्केट के बारे में वेदर द प्राइजिस आर गोइंग वेदर द प्राइज विल गो अप और वेदर द प्राइज विल गो डाउन सो दैट थिंग द सेंटीमेंट थिंक विल टेल यू हु मार्केट इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस तो इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस इज नॉट अ ट्रेडिंग टूल इट इज वॉट इट इज अ जैसे मैंने यहाँ पे समझा कि चलो दस बज गए मैंने डेटा देख लिया अभी ये चीज क्या है सिर्फ इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए स्टॉक्स ट्रेडर्स नॉट नॉट यू स्टॉक्स नॉर्मली आप प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड कर सकते हो जैसे हम लाइव एनालिसिस में चेक करते हैं फिर आता है कि टेल्स यू सेंटीमेंट ऑफ मार्केट प्लेयर्स इन दी लाइव मार्केट मतलब कि मार्केट प्लेयर्स प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं सी बिग कौन होते हैं ऑप्शन सेलर्स आर द बिग प्लेयर्स व्हाई ऑप्शन सेलर्स एंड व्हाई नॉट ऑप्शन बायर्स क्योंकि ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो आपके एच एन आई हो गए जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स है जो हाई नेटवर्क ट्रेडर्स है वो लोग हो गए सो दो गाइज हुई नेटवर्क ट्रेडिंग इन बिग ट्रेड वैल्यू सो बेसिकली दे ट्राई टू हेच देर पोजिशन दे ट्राई टू सेल देर ऑप्शन अगर उनको ट्रेड भी करना है तो दे विल ट्राई टू डू कवर कॉल कवर पोर्ट ये सब जो स्ट्रैटेजीज रहती है वेनिला स्ट्रेटेजीज सो दिस दे विल ट्राई टू ट्रेड दे वॉन्ट बी गोइंग विथ नेकेड ऑप्शन बाइंग नेकेड ऑप्शन बाइंग कौन करते हैं रिटेल ट्रेडर्स हो गए जिनके पास कम कैपिटल हो गया या जो बिगिनर्स है कम कैपिटल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं सी इट्स नॉट लाइक नेकेड ऑप्शन बाइंग पैसा नहीं बनाता इट विल मेक यू मनी बट इट विल मेक यू मनी ओनली ऑन डेज व्हेन देर इज ब्रेकआउट विल बी हैपनिंग साइडवाइज आप कुछ भी नहीं बनाओगे आपका कोई भी स्ट्रेटेजी चले भले वो ग्रीन डॉट्स आ गए रेड डॉट्स आ गए बट अगर इंडेक्स जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक वो आपको अच्छा फॉर्मेट में ट्रेड नहीं बनेगा अभी जैसे हमने प्रीवियसली समझा कि ये आपका नो ट्रेडिंग जोन हो जाता है तो स्ट्रेट अवे आपको एक यहाँ पे लाइन मार्क करना है अबोव रेड बॉक्स बिलो ग्रीन बॉक्स ये आपका नो ट्रेडिंग जोन हो गया फॉलो थ्रू अगर मैं ऑप्शन लेवल टेक्निकल तो यहाँ पे देखो क्लियर मतलब कट में कोई लेवल है तो प्रीवियस डे का लाइव सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे मैंशन किया था कि फोर्टी फोर टू हंड्रेड इज युशल जोन जहां पे अगर प्राइजेस ब्रेकआउट हो जाएगी तो इट एज स्ट्रेट वन वे रायलेटिल फोर्टी फोर फाइव हंड्रेड और सो एंड अकॉर्डिंगली आज वो आ जाता है तो, कभी ना कभी तो ब्रेकआउट देगा इंडेक्स इज नॉट मेन्ट जस्ट टू गो फॉर साइडवेज अगर समझो हफ्ते में पांच दिन है तो दो दिन ब्रेकआउट डेज रह गए तीन दिन माइड भी ऑप्शन सेलर फेवरेबल डेज रह गए तो ऐसे बेसिकली कहानी चलती रहती है हमेशा और उसी फॉर्मेट में बेसिकली इंडेक्स चलता है बट जब आप इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस देखते हैं तो इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस में आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो देखना है कि कहां पे सबसे बड़े ग्रीन बार अवेलेबल है मतलब वेर आर द ग्रीन बार्स प्रेजेंट सो आई नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड की एंड मार्क माय लेवल्स की कहा पे सबसे बड़ा ग्रीन बार है अभी देखो जब आप इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस ओपन करते हो तो यहाँ पे फॉर आउट ऑफ द मनी दिखा हुआ है मतलब आपको आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स क्यों देखना है क्योंकि आपको देखना है कि अपकमिंग लेवल्स कौन से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अगर आप ये ऑफ करते हो तो ऑब्वियसली सारे लेवल्स दिख जाएंगे आपको बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन करेंटली इन आउट ऑफ द मनी लेवल्स क्योंकि आपको आगे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझने कहाँ पे अभी जब आप देखोगे तो हाईएस्ट ग्रीन बार अभी फॉर एग्जांपल हाइस्टर दो बज के सोलह मिनट जो अभी का टाइम चल रहा है करंट मार्केट टाइम उधर तक कहा पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है पुट राइटिंग हो रही है कॉल राइटिंग कॉल राइटिंग इज डन वेन पर्सन इज बेसिकली बेरिश ऑन द मार्केट मतलब तब जाके वो बंदा कॉल बेचेगा अभी ये ऑप्शन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ रहे तो इसलिए हम ये पर्टिकुलर लेवल्स को मार्क करेंगे तो इसके ऊपर के लेवल जो होते हैं वो आपके हो जाते हैं रेजिस्टेंस जोन ओके सो दीज आर रेजिस्टेंस लेवल एंड दीज आर द सपोर्ट लेवल्स तो क्लियर हो गया आपको अभी ये भी नहीं समझना है तो आप ये बस याद रखो ग्रीन मतलब बेसिकली सपोर्ट रेड मतलब रेजिस्टेंस तो ऑप्शन सेलर ये सब भूल जाओ रेड मतलब रेजिस्टेंस ग्रीन मतलब सपोर्ट अभी मुझे बस एक ही काम है जब भी मैं इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस टूल देखता ऑप्शनिस तो मुझे समझ रहा है चलो देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है अभी क्या market, क्या बेसिकली मार्केट तो मुझे समझता है की यहाँ पे फोर्टी फोर थ्री हंड्रेड पे सबसे बड़ा ग्रीन कलर का बार है मतलब दैट बिकम्स माय गुड सपोर्ट जोन ओके अभी रेजिस्टेंस कहाँ पे आ सकता है इसका अभी रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर जोन में तो यहाँ पे देखो इतने मेजरली रेजिस्टेंस नहीं है आज अवेलेबल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बार नहीं है कंपेयर टू ऑलवेज कंपेयर रेड बार्स विद ग्रीन बार्स या ग्रीन बार्स विद रेड बार्स तो इसके फॉर्मेट में आप क्या देखते हो तो गुड सपोर्ट इज बिल्डिंग अप ठीक है मतलब ओवरऑल डेज का सपोर्ट अगर आप देखोगे दस बजे से लेके अभी तक तो सपोर्ट एक स्ट्रांग है इसलिए आज एक बड़ी मूव भी आ गई आप देखोगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड आपको मिल गया है अब अबाव रेडबॉक्स तो था अभी ये तो मुझे डेटा समझ गया अभी अगर मुझे देखना है कि लास्ट पंद्रह मिनट की क्या स्टोरी है बेसिकली वॉट इज डेटा टेलिंग इन दी लास्ट फिफ्टीन मिनट्स तो लास्ट फिफ्टीन मिनट्स में भी ये समझता है कि देखो ऐसा कुछ ग्राफ खुल गया कि जहाँ पे कुछ नेगेटिव जा रहे हैं नंबर कुछ पॉजिटिव नंबर्स है कुछ यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो कभी कभी यहाँ पे नेगेटिव नंबर है अभी ये कोरिलेशन क्या है एग्जैक्टली नेगेटिव एंड पॉजिटिव का तो पॉजिटिव एज इन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एडअप हो रहे हैं और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट माइनस हो रहे हैं मतलब दीज गाइज आर एग्जिटिंग एंड दीज गाइज आर गेटिंग मोर इन टू एडेड मतलब लास्ट पंद्रह मिनट की क्या स्टोरी है ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सब कुछ स्टडी uh, कर लिया ठीक है मेरा ये ब्रेकआउट लेवल है सो एंड सो ब्रेकआउट लेवल है ठीक है यहाँ पे मुझे पता है कि रेड बॉक्स है ब्रेकआउट है अभी यहाँ पे दो कैंडल हॉल्ड भी होने चालू हो गई ठीक है मतलब ब्रेकआउट के पहले वो एक ब्रीदर भी ले रहा है कि वो एक्यूमिलेशन कर है. तो पंद्रह मिनट हो गए इधर पांच मिनट का टाइम फ्रेम है अभी नेक्स्ट मेरा क्या होगा कि चलो देखते कि एटलीस्ट मुझे रेड बॉक्स तो बता रहा है ये ब्रेकआउट के ऊपर है अभी नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या होता है हमेशा कि मैं देखूंगा कि चलो ऑप्शन एनालिसिस देख के समझता हूं कि ऊपर के लेवल्स क्या है रेजिस्टेंस क्या है या लास्ट पंद्रह मिनट की क्या स्टोरी चल रही है तो हमेशा वेन एवर यू स्टार्ट टेकिंग योर ट्रेड्स ट्राई टू टेक स्टेप बाय स्टेप की वन टिक हो गया टू टिक हो गया थ्री टिक हो गया मैंने पहले रेड बॉक्स देखा ठीक है ये ब्रेकआउट के ऊपर रेडी है फिर देखा यहाँ पे मैक्स कॉल मैक्स पुट हुआ है अगर आपने लाइव सेशन अटेंड मतलब आपकी प्राइस ऊपर पुश करेंगे कॉल राइटर्स भी यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा क्योंकि ये सोच रहे की मार्केट साइडवेज यहाँ बेसिकली नीचे जाएगा और आपको पता है कि यहाँ पे ग्रीन ये कैंडल बनना चाहिए और उसके बाद उसका कैंडल का हाई भी ब्रेक करना चाहिए तो ये आपका एक फॉर्मेट होता है फॉर ट्रैप सिनेरियो बेसिकली दैट इज फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो रेड बॉक्स आपके सेलर्स हो गए मैक्स कॉल हो गए जो कॉल राइटर्स है जो सोच रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा और पुट ओवाई जो हो रहा है वो सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर भी जाएगा तो so एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ जंक्चर है जो एक स्ट्रॉन्ग एक जोन बन चुका है लास्ट दो तीन दिन से अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी वॉज साइडवेज फॉर मेनी डेज राइट साइडवेज फॉर टू थ्री डेज सिंस मंडे इट इज साइडवेज और आज फाइनली ब्रेकआउट हो जाता है कल होता तो और भी हीरो जीरो टाइप ऑफ ट्रेड्स आपको मिल जाते थे क्योंकि कल बेसिकली एक्सपायरी है बट मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आता है वन वे उसके बाद क्या हुआ देखो पुल बैक आया पुल बैक इज नेरी क्योंकि अगर उसको ऊपर जाना है तो उसको एक थोड़ा पुल बैक देख के ही ऊपर जाएगा वो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वन वे ऐसा ऊपर नहीं जाने वाला है जैसे आज हमने और फार्मा के भी केस में देखा कि और फार्मा फोर कैंडल्स फाइव कैंडल्स बन गए तो हमेशा एक पुल बैक के बाद एंटर करो जब पुल बैक आएगा तब अभी देखो इसके बाद क्या होता है कि समझो आपने अगर अल्ट्राडे उप, ऑप्शन एनालिसिस देखा एंड अभी राइट नाउ द डेटा इज एज पर दिस करेंट मार्केट टाइम बट इफ यू गेट दिस डेटा एज सच दैट की यहाँ पे ग्रीन बार्स ज्यादा है और रेड बार्स बेसिकली कम है सो दैट विल गिव यू वन मोर टू योर ट्रेडिंग की चलो यहाँ पे एक सपोर्ट भी है अच्छा तो मैं नीचे के सेल कर नीचे के put sell कर सकता हूं इस पर्टिकुलर जोन के नीचे 44, 300 के नीचे कौन सा है 43, 200 है 44, 200 है, 44, 100 है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप ब्रेकआउट के लिए रुकोगे राइट सेम वेज आपका ब्रेकआउट हो जाता आपके फॉर्मेट में मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसी टाइम पे आपको दो चीज देखने 15 का भी टाइम फ्रेम में देखना अभी तो 15 मिनट पे रेजिस्टेंस है फोर्टी फोर सेवन हंड्रेड और उसके बाद एक इतने खास रेजिस्टेंस नहीं और अभी करंटली फोर्टी फोर फाइव हंड्रेड क्योंकि वो राउंड फिगर है तो दैट इज अचुरल रेजिस्टेंस दिस जोन अभी यहाँ पे आज मोस्टली मार्केट होल्ड करके खत्म भी कर देगा बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको समझना कि कहा पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और जैसे मैंने बताया कि इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस टूल विल ओनली टेल यू व्हाट इज द बिग प्लेयर्स व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द मार्केट एट करंट मार्केट टाइम सो इट डजेंट मीन कि यहाँ पे मुझे अभी रेड दिख रहा है अभी आपका क्वेरी क्या होगा मोस्टली आई नो की हाउ मेनी व्हाट टाइप ऑफ क्वेरीज विल कम इन योर माइंड कि सर यहाँ पे फोर्टी फोर सेवन हंड्रेड रेड है क्या मैं सेल कर दूंगा सो दिस इज नॉट द केस मुझे क्या मैंने क्या बताया आपको यह आपको सेंटिमेंट बता रहा आपकी एग्जीक्यूशन क्या बेसिस पे होगी आपकी एग्जीक्यूशन होगी आईदर बेस्ड ऑन रेड एंड ग्रीन बॉक्स और आईदर बेस्ड ऑन रेड एंड ग्रीन रॉड्स सो दैट इज योर एक्जीक्यूशन विच वैसे हमने यहाँ पे मैंशन किया है कि फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन यूज योर डॉट्स एंड बॉक्स वाला स्ट्रेटेजी सो आई होप जो यूजर्स अभी कनेक्टेड है जो डेमो यूजर्स है तो उनके लिए हम फ्राइडे या थर्सडे के पर रिव्यू सेशन फॉर यू गाइस बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप क्यू एन एस एंड अटेंड करो जहाँ पे हम यूजली ये सारी स्ट्रेटेजीज एक्सप्लेन करते हैं या हमारे पास्ट वेबिनार्स भी आप देखोगे तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी बट मेनली अगर आप देखोगे तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपको एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगी टू गेट दी बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक्स और दी इंडेक्स तो सब में एग्जीक्यूशन रिमेंस कॉमन जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडेक्स के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा अगर आप डेटा देखोगे तो और भी आपको एक आइडिया आ जाएगी कि क्या बेसिकली इंडेक्स में करंट सीनारियों के साथ प्ले आउट हो रहा है अभी इसके बाद आता है कि चेक हाईएस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो व्हाट डज दिस लाइन मीन कि यहाँ पे हमने क्या चेक किया एक्सैक्टली exactly वी अंडरस्टूड तो की मतलब मैंने क्या किया स्टेप कर मार्केट मतलब आप इंडेक्स एनालिसिस नहीं कर रहे हो अगर आपको नहीं करना ईओडी एनालिसिस तो वी गिव आर प्रीमियम यूजर्स एक कॉमेंट्री आती है आपकी प्री मार्केट आर्स बेसिस पे जहा आपको आपको इवनिंग में ही मिल जाती है रात को मिल जाती है कॉमेंट्री बट मोस्ट इंपोर्टेंटली आप बिफोर द मार्केट आर्स यू कैन चेक जहाँ कुछ टेक्निकल एनालिसिस का तो मेक श्योर यू गो थ्रू दिस वीडियो तो आपको एक आइडिया आ जाएगी ये डेली बेसिस पे विडियोज आपको अवेलेबल होते हैं प्रीमियम ग्रुप एज वेल सो यू कैन गेट अंडरस्टैंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो अब उसके बाद स्टेप वन मैंने मार्क कर दिया मेरे ब्रेकआउट लेवल उसके बाद मुझे क्या देखना है उसके बाद मैंने टेंथ आ, जैसे मैंने बताया कि दस बजे के बाद आपको आईओ डेटा देखना है उसके बाद आता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है तो समझो आपने आईओ डेटा देखा भी इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस डेटा में आपको क्या देखना है कि चेक फॉर बेसिकली मतलब मुझे देखना है कि कहां ऑप्शन एनालिसिस डेटा टूल पे ताकि मुझे समझेगा कि कहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन है अपकमिंग ठीक है अभी इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं डायरेक्टली जाके कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा या पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन हमारा स्टेप थ्री होता है तो स्टेप थ्री चेक करो स्टेप थ्री क्या होता है समझो अपने अगर लाइव सेशन में कुछ हमने एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन किया है क्या उस फॉर्मेट में बन रहा है क्या या कोई रेड एंड ग्रीन डॉट्स आ गए हैं क्या या बेसिकली रेड एंड ग्रीन बॉक्स ब्रेक कर रहा है तो तब भी जाके आपको एग्जीक्यूशन ट्रेड आपका करना है सिर्फ बेस्ड ऑन इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस विल टेल यू वॉट वॉट इज दी मार्केट प्लेयर्स का सेंटिमेंट मतलब मार्केट प्लेयर्स को बिग प्लेयर्स को क्या फील हो रहा है एंड स्टेप फोर एक्सैक्टली एक्जीक्यूटिव ट्रेड एज पर द सो so, हमेशा आप जब ये चार चेक मारोगे आपके स्टॉक्स में या आपके इंडेक्स में तभी जाके आपको वो प्रॉपर वे में एक डिसिप्लिंड मैनर में बेसिकली आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा सो वेट अ सेकंड स्टिल पीपल आर जॉइनिंग इन आई विल ऐड देम या सो yes. बेसिक so, समझ गया आपको एक इंटराड अभी आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कुछ क्वेरीज है यू कैन पुट इट अप इन दी चैट बॉक्स विल अंडरस्टैंड मोर अभी हम आते हैं कि रेड एंड ग्रीन डॉट्स पे जो बेसिकली आपका नेक्स्ट मेजर क्वेरी है हमारे यूजुअल क्वेरीज में आता है तो एग्जैक्टली इंट्रॉयड ऑप्शन एनालिसिस तो हमने समझ लिया अभी यहाँ पे हमने जैसे बन, बताया स्टेप थ्री में कि चेक ऑन चार्ट इफ प्राइस इज ब्रेकिंग अब और बिलो द ग्रीन बॉक्स एंड रेड बॉक्स एंड रेड एंड ग्रीन डॉट्स आते हैं अभी रेड एंड ग्रीन डॉट्स के साथ मेजर क्वेरी बहुत लोगों की कि, कि सर वो कलर चेंज करता है कभी आता है कभी हमें ट्रेड करना है ये नहीं पता तो ये सारे बहुत सारे क्वेरीज है बहुत सारे यूजर्स को तो हम बेसिकली समझाते हैं कि ये जो रेड एंड ग्रीन डॉट्स है ये पहला समझो कि कैसे जनरेट होते हैं और

वर्जन के साथ आपको दिया गया है जहाँ पे जब भी कुछ ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब जाके वो डॉट्स जनरेट हो गए तब जाके ईओडी बेसिस पे आपको रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस मिलेंगे इट्स लाइक दैट सो जब भी डॉट्स कब आएंगे जब वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे हलचल चल रही है बेस्ड ऑन ओ आई लेवल तो जैसे अगर चेंज इन हैंड्स हो रहे तो इट कैन बी बायर्स एंड सेलर्स राइट बायर्स हो या सेलर्स हो बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने अगर आपने प्रीवियस एक वेबिनार हमने देखे हो गए आपने तो उसमें क्या हमने मेंशन में में किया कि एग्जीक्यूशन पैटर्न मेंशन किया है फॉर द रेड एंड ग्रीन डॉट्स सो फॉर एग्जाम्पल उसमें हमने क्या प्लान किया था so समझो अगर यहाँ पे रेड डॉट्स है फॉर एग्जाम्पल यर द रेड डॉट्स सर uh, हर बार बॉस सोचा था लॉस हो जाता है डॉट पर रेड हुआ पुट बाय कर लिया ऊपर चला गया अभी बस अभी मैं जो एक्सप्लेन करूंगा बस आप खुद को पूछो कि आप वो फॉलो कर देगा तो आपको एक आइडिया आ जाएगी क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज थे कि जो नए यूजर्स है स्पेशली जो पुराने यूजर्स है उन्होंने वेबिनार्स देखे उनको एक आइडिया आ जाएगा कि मैं अभी क्या एक्सप्लेन करने वाला तो बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होता है कि जो नए यूजर्स है उन्होंने अगर कुछ वीडियो कॉन्टेंट देखो अगर टूल आपको अगर यूज करना है मैनुअल अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती और आपने अगर डायरेक्टली चाबी डाल के कुछ भी चला दिया तो ऑब्वियसली देर विल बी डिफिकल्ट टाइम्स फॉर यू अहेड बट आपको एक बार अंडरस्टैंड हुआ तो यू विल भी प्री मच क्लियर विद द कंसेप्ट ब्रेकआउट हो या रिवर्सल हो क्या करना है अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि अगर आप जब भी रेड डॉट्स आते हैं तो रेड डॉट्स ये समझो कि रेड डॉट्स कब जनरेट हो गए

अभी मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या होता है कि आपको तो पता चला कि ये वन आर के लिए होने वाले उसके बाद इसका इफेक्ट हो जाएगा आपका आधा एक घंटे तक वो इफेक्ट रहेगा क्योंकि अगर वहां पे साइडवेज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली देर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ एक्मलेन जोन हैपनिंग ओवर देर अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि रेड डॉट्स बेसिकली सेलिंग प्रेशर जनरेट करते हैं ग्रीन डॉट्स विल बी बेसिकली बायर्स का अपर माइंड है तो दो ही देखो पार्टी है मार्केट में एक तो बायर है और एक तो सेलर है तो अगर बायर्स का अपर एंड हो गया उसके ऊपर तो वो ग्रीन डॉट जनरेट हो जाएंगे सेलर्स का अपर एंड हो गया तो बेसिकली वो रेड डॉट्स जनरेट हो जाएंगे अभी सिर्फ डॉट आते बराबर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो दैट इज द मेजर मिस्टेक्स मोस्ट न्यू यूजर्स आर डूइंग तो मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको क्या समझना है फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं मार्केट में खड़ा हूं ठीक है आई एम स्टैंडिंग ओवर इयर रेड डॉट्स जनरेटेड अभी नोविस ट्रेडर जो है जो जिन्होंने कुछ भी वीडियोस नहीं देखे या हमारे प्रीवियस वेबिनार्स नहीं देखे तो उनको वो लोग क्या करते हैं एज पर आर अंडरस्टैंडिंग दे आर टेकिंग पुट ऑप्शन बाई ट्रेड एट दिस पर्टिकुलर जंक्चर विच इज टोटली रॉन्ग तो अगर आप ये कर रहे हो तो ये सबसे आपका बड़ा मिस्टेक है क्योंकि ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये आपका जस्ट अभी ओआई प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनी क्या कुछ बना है क्या तो ऑब्वियसली नहीं तो विल वेट फॉर सम टाइम अभी क्या हमें प्लान करना है इस पर्टिकुलर जोन में लेट स्टार्ट की यहाँ पे एक बार अगर प्राइस स्टार्ट हो जाती है अगर समझो प्राइजेस वन वे यहाँ पे ऊपर आ गई है और ये जैसे ही स्टार्ट हो गया मार्केट और यहाँ पे प्राइस गोज इन साइडवेज मैनर साइडवेज मतलब क्या होता है रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेट अगर आप ऑप्शन बायर हो और अगर आप साइडवेज मार्केट में अटक गए तो आपको थीटा डीके का लॉस होने वाला है और आपको बेसिकली वो अच्छा ट्रेड नहीं जाएगा बट अगर आप ऑप्शन बायर हो और अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड्स प्लान करो तो दैट इज द बेस्ट सीनारियो फॉर यू गैस क्योंकि वहां से गिरने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है रेंज ब्रेकआउट के बाद तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जब भी प्राइस ऊपर जाने के बाद अगर रेड डॉट्स के यहाँ पे साइडवेज हो जाता है बेसिकली अभी यहाँ पे देखो दो सीनेरियो हो सकते हैं एक तो नीचे ब्रेक करेगा या तो ऊपर ब्रेक करेगा प्राइस है ठीक है आज अगर आप देखोगे तो ऊपर के साइड पे तो इफ दीज आर सेलर्स तो आपको भी पता है कि एक ट्रैप सिनेरियो हमने मेंशन किया था जहां पे रेड बैंड के ऊपर बेसिकली जाता है प्राइस तो ऊपर जाएगा ग्रीन बैंड के नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा तो डेट इज कॉल्ड अ ट्रैप सिनेरियो सो इवन इफ यू आर टेकिंग अ ट्रेड फॉर एक्जाम्पल की आपने रेड बॉक्स के रेड डॉट्स के ऊपर अगर चाहता है तो ट्रैप होना है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस इज मोर लाइकली टू हैपन एटी परसेंट ऑफ द टाइम और उसके साथ अगर समझो यहाँ पे रेड डॉट्स है एंड फॉर एक्जाम्पल यहाँ पे रेड बॉक्स है ठीक है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो गया तो ऑब्वियसली इट विल गो अप क्योंकि ये दोनों लोगों को ट्रैप करते हुए जाने वाला है बट आपको एक सिंपल फॉर्मेट रखना है ऊपर गया प्राइजेस साइडवाइज हो गया साइडवाइज होने पे भी मुझे पुट बाय नहीं करना है आपका पुट का जो एंट्री प्राइस होगी तब भी होगी जब आपकी साइडवाइज जोन कितने मिनट की होनी चाहिए एटलीस्ट ट्वेंटी से लेके थर्टी मिनट जितनी ज्यादा साइडवाइज जोन होगी उतनी अच्छा है क्योंकि जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना बड़ा आपका ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी है मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉल्यूम जनरेशन सी वॉल्यूम जनरेशन इट इट विल गो इन टू प्योरली इन टू नंबर्स और वी आर नॉट ट्राइंग टू शो नंबर्स टू आर यूजर्स क्योंकि सब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तीस लाख बड़ा है वहा पे बीस लाख बड़ा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोस्ट यूजर्स विल बी कन्फ्यूज इन दैट अंडरस्टैंडिंग सो नंबर्स से ज्यादा आप जितना कलर्स पे ध्यान दोगे या जस्ट सिंपल बायर सेलर के लॉजिक से समझोगे विश्वास जी तो इट विल बी मोर क्लियर टू योर अंडरस्टैंडिंग सो नेक्स्ट स्टेप इज आपको एक आया यहाँ पे साइडवेज हो गया अभी दो फॉर्म दो क्लियरिटी हो सकती है या तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है दैट इज क्लियर ब्रेकडाउन या तो बेसिकली एक फेक ब्रेकआउट होकर ऊपर जा सकता है राइट सो दैट इज अ ट्रैप सिनेरियो जहाँ पे आप यहाँ पे भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है सो जब आप ट्रेड कर रहे हो अभी नेक्स्ट टाइम से फ्रॉम गोइंग एट फ्रॉम टुमोरो जो लोग अभी लाइव में अटेंड करे या बाद में जब रिकॉर्डिंग चेक करोगे ऐसे ट्रेड करना पता नहीं है ये आपके मन में इनप्रिंट करते हो इम इन योर माइंड दैट आईव टू वेट फॉर ये माई इमोशन डिसिप्लिन यहाँ पे जब तक साइडवाइज नहीं होता उसके बाद आपका ब्रेकआउट कैंडल बनेगा उसके बाद वो ब्रेकआउट कैंडल का आपका हाई ब्रेक होगा दैट टाइम इज पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड की वहां से आपका पिकअप आने वाला है जस्ट फॉर ऑप्शन बायर्स क्योंकि ऑप्शन बायर्स को तभी एंटर करना है जब उसका ब्रेकआउट ट्रेड इज मोर लाइकली टू हैपन तभी जाके आपका जो प्रीमियम है वो फटाफट ऊपर चले जाएगा नहीं तो साइडवेज में रहोगे तो ऑलरेडी थीटा डीके के कारण आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाएगा और आप जल्दी से जल्दी एस एल लेकर निकल जाओगे क्योंकि साइडवाइज जोन में एंड ये ऐसे जोन आपको कब मिलेगे जैसे मैंने बताया आपको फाइव डेज में से हार्डली टू और थ्री डेज आर देर वेर ऑप्शन बायर्स मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी वन इज टू थ्री वन इज टू फाइव काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड जब वो ब्रेकआउट दे देगा स्पेशली इन इंडेक्स स्टॉक्स में तो नो डाउट यू कैन टेक एट द मनी स्ट्राइक प्राइस जिसको सिलेक्शन की इश्यू है तो स्ट्राइक uh, प्राइस की जिसकी सिलेक्शन की इश्यू है तो यू कैन डू एट दो डाउटी जाओगे मूव तो, uh, नहीं करेगी इतने एक्सपेक्टेशन में तो सिंपल था ये रेड एंड ग्रीन डॉट्स अभी भी फॉलो करोगे अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाता है रेड डॉट्स आ जाते हैं ये एक बड़ा जोन बन गया तो क्या ये प्रीवियस डे या ये, ये बेसिकली एक सपोर्ट हो जाता है आपका लास्ट जो क्या इसके बाहर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर निकल गया था तो इट विल बी अ मेजर दिस थिंग क्लैरिफिकेशन की यहाँ पे आपने समझो अगर पुट ऑप्शन बाय कर लिया क्या तो चलो ट्रेड क्लू मुझे रेड डॉट्स दिखा रहे हैं मैंने पुट ऑप्शन बाय कर लिया सो दैट इज नॉट द केस आपको रेड डॉट्स तो दिखा रहे हैं बट आप देखो नीचे किधर तक गिर सकता है बैंक निफ्टी अगर यहाँ से गिरेगा तो कहा तक जाएगा यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है तो आपका ये स्कैल्प रेडी बनने वाला है जैसे हम प्रीवियसली बता रहे है, क्या चल रहा है? रेंज में चल रहा है range, उसके बाद no अगर आप तो इस जोन में क्या चल रहा है अभी यहाँ पे कोई भी कैंडल उसने रेंज ब्रेक किया क्या नहीं किया उसके ऊपर क्या किया इसने ऊपर के साइड पे एक बिग ग्रीन मतलब ये जो सेलर्स थे यहाँ पे आर नो स्के और आपको पता है कि ये आपका मेजर सेलिंग जोन है जहां पे ऑलरेडी रेडी है आपका ब्रेकआउट होने के लिए वहां तक आ जाता है वहां पे पुल बैक आ जाता है ठीक है एंड सेम वेज इट हैज गॉन इन योर फेवर एज पर रेड बॉक्स स्ट्रेटेजी सो यू हैव टू बी डायनेमिक इन योर ट्रेडिंग हर टाइम आपको ये नहीं होगा कि एग्जैक्टली इट विल वर्क इन योर पिक्चर परफेक्ट मैनर जैसे अदानी के स्टॉक्स हो गए जहां पे आपको लास्ट फाइव डेज अगर आप देखोगे सेशन में एवरी डे वी हैड सम और दी अदर थिंग इन प्रॉफिट नाउ इज लॉस सम लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम अगर आप हर दिन प्रॉफिट करोगे तो ऐसा थोड़ी चलेगा कभी तो स्टॉप लॉस करना है आपको तो मेन एजेंडा यही है कि आप जितना डिसिप्लिन वे में आप ट्रेड करोगे तभी जाके आपको ये टूल सबसे ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा क्योंकि इफ यू आर डूइंग इन अ प्रॉपर मैनर मेक इट श्योर यू आर डूइंग इन किन बेस्ट पॉसिबल के जैसे हमने हमारे uh, इसमें सेशन में एक्सप्लेन किया एंड दिस रिकॉर्डिंग यू विल बी गेटिंग इट लेटर ऑन टूडे और बाई वीकेंड बेसिकली सो यू कैन फॉलो इट लेटर ऑन और फॉर रेफरेंस यू कैन गो थ्रू इट लेटर ऑन एज वेल सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ रेड एंड ग्रीन डॉट्स विच यू नीड टू क्लैरिफाई अभी इसमें क्या क्या क्वेरीज थे कि कलर चेंज क्यों होते हैं तो कलर चेंज समझ गया होगा आपको की ये चेंज इन ओआ है तो हमेशा बायर्स और सेलर्स के अंदर वहां पर फाइट हो रही है तो नो डाउट देर विल बी सम्पनिंग ड्यूरिंग दैट साइडवेज जोन इसलिए हम क्या प्रीफर करें ऑलवेज वेट फॉर साइडवेज जोन तो यहाँ पे हमने क्या मैंशन किया ऑलवेज वेट फॉर साइडवेज जोन सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन क्योंकि अगर आप साइडवेज जोन के लिए नहीं वेट करोगे वी सेप रिकवरी में ट्रेड करोगे तो इट इज नॉट द बेस्टेस्ट सिनेर टू हैप एन फॉरन ऑप्शन बायर रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है फॉर एक्जीक्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि अगर रेंज बनेगी तभी जाके आपको एक अच्छा ब्रेकआउट होगा क्योंकि वो एक्यूमुलेशन होता है तो के बाद, हमेशा इट तो आप, आप देखोगे तो, देखो तो यहाँ पे आर्ली स्ट्रक्चर पे क्या चल रहा है बैंक निफ्टी इट इज प्योरली इन अ साइडवाइज मैनर तो आप जितना भी बीच में ट्रेड करोगे तो दैट विल बी अस्कैल्प ट्रेड यहाँ से ऊपर जाएगा फिर एक बार नीचे आएगा जब तक ये मेजर हर्डल नहीं क्रॉस हो जाएगा तब तक और ये मेजर हर्डल आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में पता है बस आपको रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स के ऊपर नीचे लाइन मार्क करने एंड उस अकॉर्डिंग टू यू हैव टू जस्ट चेक विद नो ट्रेड जोन एंड अकॉर्डिंगली डॉट्स विल बी मोर हेल्पफुल टू यू इन एज आई सेड इंडेक्स स्टॉक्स में भी यू कैन चेक टाटा पावर रेड डॉट्स लेट्स चेक नाव सी अभी ये देखो ये आपका लो है टाटा पावर का फॉर एग्जाम्पल और ये आपका रेंज का हाई है अभी यहाँ पे अगर समझो मैं अः पर्टिकुलर वे में ये है अभी उसके बाद रेड कैंडल आता है उसके बाद ये कैंडल आता स्पाई का या कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ ठीक है सो सी रेड डॉट्स थे और उसके बाद उसने क्या किया वन टाइम टू टाइम टेस्ट किया और स्ट्रेट अवेट गिवेन सो देर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी की वो फेक ब्रेकआउट देख के ऊपर जा सकता है बट नो डाउट यहाँ पे अगर आपको पिक्चर परफेक्ट ट्रेड चाहिए मेक अ रेंज एज अड उसके बाद नीचे रेंज ब्रेक करने दो तो आपको बेसिकली फॉलो थ्रो अभी फॉलो थ्रू सेल ऑफ के लिए भी आपको देखना पड़ेगा की कि नीचे किधर तक जा सकता है अभी इधर तक देखो यहाँ पे रेड बॉक्स है मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग ओनली फॉल फ्रॉम टू फोर्टी थ्री से लेकर टू फोर्टी सो दैट ड्रेड है एक्चुअली

अभी रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस क्या है ट्रेडलू के चार्ट्स पे तो दे आर एक्चुअली डिमांड एंड सप्लाई जोन तो जिन्होंने ट्रेडिंग्स ट्रेडिंग रिलेटेड अगर मार्केट्स रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़े हो तो आपको पता होगा कि डिमांड एंड सप्लाई जोन इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस इन इंट्रा डे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जोन पे पूरा इकोनॉमिक्स आपका चलता है राइट सो दो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है तो इसके ऊपर ही पूरा चलता है सेम इज मार्केट ऑल्सो वर्क ऑन डिमांड एंड सप्लाई जोन उसके कारण हमने बेसिकली क्या है आपके मार्केट में दो पार्टिसिपेंट्स है दे आर बायर्स एंड देर आर सेलर्स ठीक है दो ही पार्टी है अभी उसके अंदर भी आपको फॉर्मेट में रेड एंड ग्रीन बॉक्स या बैंड बेसिकली वेज में आप ठीक है आपके चार्ट पे. अभी ये जो चीज है आपको कब देखनी है ये इम्पोर्टेंट है वी हैव टू चेक दिस रेड एंड ग्रीन बॉक्स इज टू बी चेक बिफोर द मार्केट स्टार्ट ये समझ लो ये बहुत क्वेरी है कि सर आज लाइव मार्केट चार्ट पे रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस ने ये आज नहीं बनेगा आपको एक दिन पहले के देखने दो दिन पहले के देखने सो दैट इज योर ब्रेकआउट जोन बेसिकली तो मार्केट शुरू होने के पहले समझो नौ बजे है आपके नौ पंद्रह को मार्केट स्टार्ट होता है मैंने चेक किया अच्छा ठीक है ये ये ब्रेकआउट है तो बेसिकली आपको क्या चेक करना है रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस बिफोर द मार्केट आज यू नीड टू चेक रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस और रेड एंड ग्रीन डॉट्स आई नीड टू चेक ड्यूरिंग द मार्केट आज तो यहाँ पे ने दो चीज मेंशन किया टू बी चेक्ड बिफोर द मार्केट आर्स एंड टू बी चेक्ड इन लाइव मार्केट आर्स एंड ग्रीन डॉट्स आपको लाइव मार्केट में देखने और रेड बॉक्स हो गया या बैंड हो गया अभी वॉल्यूम जनरेशन uh, का फर्क है अगर समझो कोई इस वॉल्यूम अवेलेबल uh, uh, है कोई भी स्टॉक पे एंड स्टॉक द मार्केट आर बेसिस तो इस पे आपको बॉक्स मिल जाएगा

डीप इन टू द स्ट्रेटेजी की क्या बेसिकली कैसे वर्क करती है या इन डिटेल जो हमने विथ एक्साम्पल्स एक्सप्लेन किया अभी देखो ये सेशन जो है वो प्रिटी मच वी आर इन टू एफ एक् मै इन डिटेल आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द स्ट्रैटेजी बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखोगे तो हमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग का वेबिनार हम यूजली पोस्ट करते हैं या ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वेबिनार हो गया वो पोस्ट करते हैं तो दो आर वन और टू इंपॉर्टेंट वेबिनार विच वेटेस्ट कंडक्टेड इन द इन दिस मंथ इट से तो ये आप चेक कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हाउ टू ट्रेड एज पर रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस बट क्वेरीज जो थी मेजरली कि कब चेक करना है आपको बिफोर द मार्केट आर्स आपको रेडी रहना है अगर आपको पता है हम लाइव सेशन में हमारे डिस्कस करते हैं कुछ ट्रेड्स uh, तब तो हम रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस के हिसाब से ही हम ट्रेड्स प्लान करते हैं जैसे आज का टीवीएस मोटर हो गया या रेड बॉक्स के ऊपर हो गया तो ये सारे लेवल्स आपको बिफोर द मार्केट आर्स चेक करने एंड नेक्स्ट डे जस्ट हैव टू वेट फॉर माय एग्जीक्यूशन पैटर्न टू हैपन इन दैट फॉलो ब्रेकआउट एंड रिवर्सल तो आई होप दिस कैसे प्लॉट होते है आपको समझ गए हो गए रेड एंड ग्रीन बॉक्सिस और बॉक्स कैसे बनते हैं सो रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस बेसिकली बनते क्यों है क्योंकि वहां पे वॉल्यूम बिल्टअप है तो रेड बॉक्स का मतलब ये होता है कि वहां पे सेलिंग जोन है ग्रीन बॉक्स का मतलब ये होता है कि वहां पे बायर्स अवेलेबल है तो अगर बायर्स वहां पे ट्रैप हो जाते हैं अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आज आ, आज जैसे चंद्रशेखर जी ने एक एग्जांपल दिया एच का तो वही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि उसमें क्लियर कट ब्रेकआउट था तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये आपका बेसिकली एक जोन है जहां पे ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे खड़ा है ठीक है ये अभी क्या चल रहा है साइडवाइज जोन में वन टू थ्री यही रेंज में चल रहा है ठीक है तो ये आपका रेड बॉक्स हो गया अभी ये मुझे मैंने कितने दिन पहले का रेड बॉक्स देखा दिस इज एन अनटचच्ड रेड बॉक्स राइट दिस इज अनटच अभी तक इसको क्रॉस नहीं किया है ये रेड बॉक्स है मतलब यहाँ पे क्या है आपका सेलर्स प्रेजेंट है दीज आर वॉट सेलर्स मतलब हेवी सेलिंग जोन है यहाँ पे यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं कि से मार्केट गिरेगा यहाँ पे लोग सेल पोजीशन क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पे आपकी बाइंग पोजीशन भी क्रिएटेड है ठीक है ये ग्रीन बॉक्स है, है तो आपको अगर ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करना है मतलब आपको ट्रैप सीनेरियो ट्रेड का प्लान करना है तो आई नीड टू अंडरस्टैंड की यहाँ पे क्या होना चाहिए एक ब्रेकआउट कैंडल बननी चाहिए उसके बाद वो ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए फिर आपका बेसिकली ट्रेड इनिशिएट होता है आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रेड बॉक्स के नीचे होगा क्लियर कट है मैक्स कॉल राइटिंग लेवल भी है मतलब यहाँ पे जो प्राइस जो समझ रहे कि यहाँ पे ये लोग समझ रहे कि प्राइस नीचे गिरेगी क्योंकि कॉल बेचे गए हैं सेलर्स है वो लोग भी सोच रहे कि प्राइस नीचे गिरेगी बट अगर समझो कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो ये लोग क्या हो गए ये लोग डर जाएंगे सिस्टम से भागना स्टार्ट कर देगा और उसके कारण क्या होती है शॉर्ट कवरिंग आती है और उसके कारण वो शूटअप हो जाता है प्राइस और वन वे आपको एक ब्रेकआउट ट्रेड मिलता है जैसे अदानी हो गया या आज का ये अभी एच हो गया एक यूजर ने यहाँ पे हमें आज मीटिंग में मेंशन किया तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको बनेंगे बट जिस दिन दे विल वर्क दे विल वर्क मार्वल इन योर फेवर और उसके कारण आपको एक शॉर्ट रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको एक रिस्क के साथ एक आपको अच्छा रिवॉर्ड भी प्लान कर सकते हैं तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है आपका रेड हो ग्रीन बॉक्स हो तो एच सी टेक भी अगर आज देखोगे तो हम लाइव में डिस्कस कर रहे थे कि जब तक प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं होता तब तक कुछ नहीं होना क्योंकि यहाँ पे रेड बैंड तो है सेलर्स भी अवेलेबल है एंड अगर आप देखोगे तो सेम फॉर्मेट एज एच मैक्स कॉल ओ लेवल है अगर आप देखोगे आज फुल डे उसके ऊपर ही बना है स्टॉक बट वॉट इज अवर मेन एक्सिक्यूशन पैटर्न वी नीड टू वेट की प्राइस शुड कम ओवर यर वेट ओवर यर एंड मेक अरेज और उसके बाद ही आपका ब्रेकआउट प्लैंड है तो जब तक एक्जीक्यूशन पैटर्न आपका बनता नहीं तब तक यू डोंट गो फॉरवर्ड विद योर ट्रेड दैट इज द मेन क्रक्स टू योर डे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो कुछ भी कर रहे हो बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर एक्जीक्यूशन पैटर्न अलॉन्ग विदल सो दिस वॉज दल अबाउट थिंग अबाउट ट्रेड एंड गॉक्स Uh, currently, Midcap, uh, Nifty and Sensex is not available on trade. Only Nifty, Bank Nifty, fin, Nifty we uh, recently uh, introduced uh, in same ways. Uh, Vishwas is saying also the same green box breakout in Adani Enterprises. Okay, let's check uh, what is. Adani Enterprises had given us a great trade last week. So, no doubt. And today, it has gone down as well. Okay. ब्रेकडाउन so, तो है। है, हाँ हाँ के पहले क्या हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट हो रहा है और उसके बाद स्ट्रेट अवे ब्रीच होता है स्ट्रेट फॉल अभी एक अडानी ऐसा स्टॉक है कि जो बहुत हाईली वॉलेटेल एंड इट इज मोर फेवरेट स्टॉक फॉर इंटरडेट ट्रेडिंग जब भी That comes into your slot. जब slot में वो आपका ये आएगा तभी जाके वो ट्रेड करना इज मोर लाइकली कभी भी नहीं बट ऐसे जब स्ट्रक्चर बन रहे साइडवेज जोन में एंड इट इज गेटिंग अक्यूमलेन जोन और उसके बाद फिर एक देखो यहाँ सेल ऑफ आया साइडवेज हुआ और फिर सेल ऑफ आया यहाँ से ही नहीं गिरा ये स्टॉक उसको गिरना तो था पूरा दिन बट यहाँ से नहीं गिरा यहाँ पे क्या कि उसने रेस्ट किया थोड़ा टाइम ब्रेक लिया यहाँ से गिरा रेस्ट किया और फिर एक बार उसने फॉलो थ्रू सेल ऑफ दिया अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है पे ग्रीन बॉक्स आपका एलिमिनेट हो गया मतलब ये जो बायर्स थे ये लोग अटक गए ये लोग ट्रैप हो गए और उसके कारण फॉलो थ्रू सेल ऑफ आया मैक्स कॉल हो आए, क्या बताता है आपका बेसिकली यहाँ पे सेलर्स है कॉल सेलर्स है मतलब इनकी ऑलरेडी पुश डाउनवर्ड है अगर आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो ऑलमोस्ट एक आपको एक अपवर्ड रैली मिली थी उसकी ऑल द वे फ्रॉम ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टू ट्वेंटी सेवन हंड्रेड का जोन जो हमने लास्ट टाइम जो यहाँ पे ट्रेड्स प्लान किए थे सेम ट्रेड हमने इस पर्टिकुलर जोन में लास्ट वीक प्लान किया था जहाँ पे हमने यहाँ पे ये ट्रेड कैच किया था उसके बाद ऊपर चला गया था बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखो इतना ऊपर जाने के बाद कहाँ से तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो आज बेसिकली यहाँ पे दिखने मिले, एक हेवी सेलिंग जोन भी देखने मिला इन प्रॉपर फॉर्मेट देर वॉज अ रेड बॉक्स ब्रेकआउट इन बैंक निफ्टी ये विश्वास टूडे वॉज अ परफेक्ट रेड ब्रेकआउट इन बैंक निफ्टी रेडबॉक्स था मैक्सॉल हुआ इंटरप्रेटेड तो ये आपके नो ट्रेडिंग जोन जैसे मैंने बताया आपको मार्क करने और जब रेडबॉक्स के ऊपर प्राइजेस हैंडल क्लोज करके नया हाई बनना स्टार्ट होता है तो इट एज गुड प्रोबेबिलिटी क्योंकि देखो बहुत टाइम से बैंक निफ्टी आप साइडवेज बनाए इट वोट बी रिमेनिंग साइडवेज फॉर राइट सो कभी ना कभी तो ब्रेकआउट होगा उट आज ही हो गया सर पोजिशनल uh, so और शॉर्ट टर्म स्टॉक कब तक आएगा अभी पोजिशनल तो वी आर जस्ट गिविंग इट मैनुअली डायरेक्टली ऑन टू द प्रीमियम ग्रुप बट इन दी न्यूअर वर्जन ऑफ ट्रेड क्लू वेन एवर विल लॉन्च बाईर एंड ऑर्सो सो वी आर प्लानिंग टू कम अपजिशनल स्कैनर बताओ अभी के टाइम में क्या चल रहा है अच्छा सबको अभी के टाइम में देखना है तो देखो अभी अभी के टाइम में क्या चल रहा है आपको बस मैंने बताया पहले क्या देखना है आपका नोट रेडिंग जोन मार्क कर दो निफ्टी में ठीक है आपने नो, नो ट्रेडिंग जोन मार्क कर दिया अभी आपको पता है कि अगर ऊपर जाएगा तो नाइनटीन फाइव हंड्रेड का रेजिस्टेंस है मैक्स कॉल राइटिंग लेवल है ये बिफोर द मार्केट मैंने हाँ पे स्टेप वन स्टेप टू क्या बताया जब आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो मैंने क्या देखा पहला ईओडी एनालिसिस किया अभी मैंने यहाँ पे और चेक किया कि ये मेरे नो ट्रेडिंग जोन है अभी इसके बाद ब्रेकआउट यहाँ पे क्या होगा ब्रेकआउट हुआ इस पर्टिकुलर जोन में राइट अभी उसके बाद क्या हो रहा है बैंक निफ्टी तो ऊपर भाग रहा है अभी इसको अगर ऊपर भाग जाता था ये तो यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस है ये वाला ठीक है ये वाला रेजिस्टेंस है मतलब मतलब दिस विल एक्ट एज अ हर्डल इन गोइंग उसके बाद क्या होता है है ये अभी साइडवेज ही इट स्टिल नॉट ब्रेकआउट ब्रेकआउट तो इसका एक्सपायरी डे दिन भी हो सकता है तो निफ्टी इज मोर बेटर ऑफ ऑन थर्सडे बेसिकली आज साइडवेज रखा है निफ्टी को देखो निफ्टी को भगाने के लिए पचास स्टॉक को भी एक एक्टिवली मूवमेंट देनी चाहिए एटलीस्ट दी हेवी वेट रिलायंस हो गया एच डी एफ सी के ये हो गया एच डी एफ सी ट्वींस नहीं बट बजाज फाइनेंस हो गया ये सारे तो इनको भी भागना बहुत नेसेसरी है फॉर निफ्टी टू रन बैंक निफ्टी भगाने के लिए एच डी एफ सी बैंक आईसीआई बैंक एसबीआई बिग हेवी वेट्स दो तीन बैंक भी भागे तो भी बैंक निफ्टी विल स्टार्ट मूविंग इन योर फेवर एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑप्शन बायर्स का फेवरेट इज बैंक निफ्टी राधर निफ्टी क्योंकि निफ्टी के कॉम्पोनेट्स बहुत हैं, निफ्टी को हैंडल करना तो इट इज मोर ऑफ अ टफर टास्क तो निफ्टी मूव जब निफ्टी मूव होगा तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली डबल अप मूव हो जाएगा बट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे हर्डल्स है तो अभी के अगर सिनेरियो में आप देखोगे तो चलो इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस भी देखते हैं तो बाइंग तो है तो देखो ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिट कब होता है ये समझो ये आपको ऑप्शन सेलर्स का डेटा बता रहा है कि नाइनटीन फोर हंड्रेड इज योर गुड अमाउंट ऑफ दिस थिंग सपोर्ट जोन अभी नाइनटीन फोर हंड्रेड सपोर्ट है मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से रॉकेट जाने वाला है ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए आइदर मार्केट टू स्टे साइडवेज एट नाइनटीन फोर हंड्रेड न अर्न फ्रॉम थीटा डीके और एटलीस्ट मूव ऑन दी अपर साइड वो तो ऑप्शन सेल करके बैठा है, right? तो है अगर वो पुट बेच रहे वहां पर मार्केट साइड भी रहेगा ना वहां पर स्टिल ही तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का दो ही बेसिकली एनिमी है that is theta decay, that is time to expiry. अगर साइडवेज रहता है तो भी ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा तो ऑप्शन बायर कब पैसा कमाता है और ऑप्शन सेलर कब पैसा कमाता है ये आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो नहीं तो आप ऑप्शन ट्रेड मत करो जस्ट टू गैम्बल आउट आप नॉर्मल स्टॉक्स भी ट्रेड करोगे तो उधर भी पैसा बनेगा ऑप्शन में भी पैसा बनने वाला है बट अगर आपको ये नहीं पता कि ऑप्शन बायर कब बनाएगा और ऑप्शन सेलर कब बनाएगा तो यू आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन एक्चुअली ऑप्शन बायर विल ओनली मेक मनी वेन हैव अ ब्रेकआउट ट्रेड इन योर फेवर एंड ओनली इफ इट प्राइस इज मूविंग वन वे इन योर फेवर और ऑप्शन सेलर साइडवेज मूवमेंट भी पैसा बनाएगा और जब ट्रेंड रहेगा तभी भी पैसा बनाएगा और इसके कारण जो बिग प्लेयर्स हो रहे थे वो दे ट्राई टू डू ऑप्शन सेलिंग ऑब्वियसली एवरी थिंग कम्स विद अ रिस्क तो ऑलवेज ट्रेड विथ योर प्रॉपर स्टॉप लॉस दैट इज द ओनली डिस्कलेमर विच इज देयर तो ऑप्शन सेलर्स को भले अनलिमिटेड रिस्क है तो दे विल ऑब्वियसली ट्रेड विद स्टॉप लॉस और उसके कारण जो मैक्स कॉल हो राइटिंग लेवल है

अगर आपको वेबिनार पता नहीं कोई स्पेसिफिक वेबिनार आपको अगर पूछना है तो यू जस्ट मेक श्योर की यू कॉन्टेक्ट अस ऑन दी सपोर्ट नंबर

इम्पोर्टेंटली की एक प्रॉपर मैनर में डिसिप्लिन वे में कैसे आपको ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने इस पर्टिकुलर फॉर्मैट्स के साथ मोर क्वेरीज वी है सो नेक्स्ट वील कम टू दोस्ट अनदर क्वेरी विच वी हैव How to select stocks for uh, from aftermarket scanner. So those guys who want to check which stocks are under a red box or green box or red see box and bands will be there, boxes will be there will in almost all the stocks, QQ. सब स्टॉक्स में किधर ना किधर तो बाइंग एंड सेलिंग जनरेट होती है बट बैंड विल बी ओनली अवेलेबल फॉर फ्यू नंबर ऑफ स्टॉक्स क्योंकि मेजर बाइंग एंड मेजर सेलिंग वाले स्टॉक्स आपको बैंड के साथ मिल जाते हैं तो रेड एंड ग्रीन बैंड में अगर आप देखोगे तो आज एच सी एल टेक था तो एक ही स्टॉक है पूरे निफ्टी के पचास स्टॉक में से बस रेड एंड ग्रीन बैंड वॉज इन एच सी एल टेक विच वॉज डिस्कस्ड इन दी लाइव सेशन अगर मुझे रेड एंड ग्रीन बॉक्सिस देखने तो मुझे देखना है आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो मतलब साइडवेज जोन वाले स्टॉक्स आपको चेक करने तो बस चेक दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी एंड चेक कि कहा पे अभी देखो ये सारे जो स्टॉक्स मिलेंगे आपको रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस के सो बेसिकली दे विल बी ओनली दो स्टॉक्स विच आर गोन वॉट साइडवेज चल रहे देखो आप देखोगे तो प्राइज एक्शन क्या चल रही है इसकी साइडवेज जोन में चल रही है मतलब आपको ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है तो ऐसे स्टॉक्स आपको देखने ब्रेकआउट के लिए जो साइडवेज चल रहे हैं तो वो आपको ब्रेकआउट ट्रेड्स प्लान करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली भी ये इमेज के साथ एक्सप्लेन किया है कि जब भी आपको ब्रेकआउट ट्रेड कब करना है व्हेन द प्राइसेस आर इन कंसोलिडेटेड रेंज और रिवर्सल ट्रेड कब करना है व्हेन द प्राइसेस आर कंटिन्यूसली फॉलिंग और व्हेदर द प्राइसेस आर कंटिन्यूसली राइजिंग मतलब अगर कंटिन्यूअस राइज हो रहा है तो हम सेल करेंगे कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है तो हम बाय करेंगे एट ग्रीन बैंड हो या मैक्स मैक्सपुटो अवेलेबल हो एंड सेम वेज अगर कंटिन्यूसली रेंज बाउंड सीने तो हम ब्रेकआउट अभी ये रेंज बाउंड वाले ट्रेड्स कहाँ से आपको मिलेंगे बिफोर द मार्केट स्टार्ट यू जस्ट चेक अगर आप मॉर्निंग में सिस्टम पे आ रहे हो तो बस आप आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट पे टिक मार्क करो रिजल्ट्स पे देखो यहाँ पे समझेगा आपको यहाँ पे डबल एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि ग्रीन में ब्रेकआउट लिखा है मतलब टाटा मोटर्स आई नीड टू लुक ऑन द बाई साइड अभी बाय साइड अगर मुझे चेक करना ही है समझो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू जस्ट मार्क दिस लेवल रेड एंड ग्रीन बॉक्स का लेवल सो दिस इज माई नो ट्रेडिंग जोन and these are my breakout zone ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जोन ठीक है तो अगर आपको बाय प्लान करना है तो ऑब्वियसली फेवरेबल तो यहाँ पे बाय दिख रहा है ठीक है अगर मुझे सेल करना है तो मुझे ग्रीन बॉक्स के नीचे सेल करना है बट यहाँ पे क्या चल रहा है फेवरेबल बाय तो आई विल ओनली लुक फॉर द बाय साइड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट और यही स्टॉक्स बेसिकली हम लाइव सेशन में डिस्कस करते हैं जहाँ पे फॉर्मेट्स एक्सप्लेन किया जाता है प्राइस एक्शन क्या चल रहे करंट सिनेरियो के साथ और वो बेसिकली हम फॉलो टू ट्रेड्स प्लान करते हैं एंड सेम वे ऑल्सो यू कैन ऑल्सो प्लान इन योर ट्रेड्स तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको देखने की कौन से स्टॉक्स आर मोर लाइकली टू ब्रेकआउट जस्ट सिलेक्ट आफ्टर मार्केट देन सिलेक्ट ब्रेकआउट और यहाँ पे आपको रेड एंड ग्रीन बैंड में रेड एंड ग्रीन बैंड के स्टॉक्स मिल जाएगी जिसमें बैंड बना हुआ है वो आपको देख सकते हो तो ज्यादा स्टॉक्स में बैंड नहीं बनेंगे और अगर समझो आपको रैंडमली कोई भी स्टॉक देखना है फॉर रैडमलीसल नाउ विश्वास इज आस्किंग चंबल फर्टिलाइजर सो लेट्स चेक इफ इन एफ एन ओ और नॉट ओके सो इट्स देर इन एफ एन ओ अगर मैं चंबल फर्टिलाइजर देखता हूं तो अगर ये मेरा प्रीवियस डे है ठीक है यहाँ पे मैं एट दिस पॉइंट ऑफ जंक्चर खड़ा हूँ तो वॉट शुड आई आस सी आई नीड टू अंडरस्टैंड की मैं अगर यहाँ पे खड़ा और मैं ये पर्टिकुलर स्टॉक देख रहा हूं तो मुझे पता है यहाँ पे रेड बॉक्स है, है तो वॉट आई विल डू इज आई जस्ट प्लॉट और दिस इज माई रेंज ओके दिस बिकम्स माई रेंज जैसे मैंने बताया आपका नो ट्रेडिंग जोन है टाइम पास जो है जोन चल रहा है आपको मेजर प्रॉफिट कब होगा इधर ये बेसिकली ब्रेक करेगा या तो ये बेसिकली जोन ब्रेक करेगा ग्रीन बॉक्स का ठीक है आपका मेजर हर्डल हो जाता है जो जा पे विश्वास जी ने ये स्टॉक डाला है चंबल फर्टिलाइजर दैट ओनली वी आर एनालाइजिंग अभी आपको पता है ये आपका प्रीवियस डे हाई है और यहाँ पे आपका रेड बॉक्स है तो ये आपके ऑप्शन बेसिकली सेलिंग जोन है एंड सेम वेज आपको पता है कि जब प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करेगी दैट टाइम आई नीड टू इंटरेक्ट इन दिस स्टेट इज ब्रेकआउट हो जाएगा मतलब दैट इज द पावर वेयर जहाँ पे सेलर अगर ट्रैप हो गए आपके सिस्टम में तो इट हैज इमेंस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू शूट इन योर फेवर बेसिकली और उसी फॉर्मेट में आपको गोइंग हेड भी ट्रेड करना है जहां पे आपको क्लियर कट हमें इधर बीच के एरिया में नहीं फंसना है हमें देखना है कि कहाँ पे बेसिकली ये पार्ट बेसिकली ऊपर साइड पे मूव हो जाएगा तभी बेसिकली हम ब्रेकआउट ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हैं सो दिस इज व्हाट योर आफ्टर मार्केट एनालिसिस इज तो आफ्टर मार्केट जब भी आप चेक करोगे तो यू कैन चेक फॉर ब्रेकआउट ट्रेड्स अह ब्रेकआउट हो गया बाद में रिवर्सल uh, हो गया तो ये सारा चीज अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन डिटेल कि कौन से वेबिनार में यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू टेक द ट्रेड और हाउ टू इनिशिएट द ट्रेड्स तो वी हैव अ वेबिनार कॉल्ड एज हाउ टू डू आफ्टर मार्केट एनालिसिस लास्ट फ्यू मंथ्स के पहले हमने ये बेसिकली वेबिनार कंडक्ट किया था माइड बी गोइंग एड विल प्लान फॉर वन सच वेबिनार जहां पर वीकेंड्स पे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड की नेक्स्ट डे कैसे ट्रेड करते हैं बट मेक श्योर यू गो थ्रू दिस वेबिनार एक प्रॉपर एक लर्निंग भी हो जाएगी कि कैसे हमें स्टॉक्स पिक करने एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सो एवरी थिंग इज अवेलेबल ऑन आर यूट्यूब चैनल लेटर ऑन आफ्टर द सेशन यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड स्क्रोल थ्रू दी कॉन्टेंट सो यूल गेट टू अंडरस्टैंड वॉट आर दी इंपॉर्टेंट वेबिनार्स या पास ट्रेड भी अगर देखने आपको रेड एंड ग्रीन बॉक्स के हिसाब से तो यू कैन can...

फॉर्मेट बनने के लिए सो वन मोर आफ्टर मार्केट एनालिसिस आफ्टर पीएम सी लेवल्स गेट अपडेटेड आफ्टर सेवन पी एम बट स्टॉक्स एंड एवरीथिंग गेट्स अपडेटेड बाई नाइट सो वंस दी बाव कॉपी एंड एवरीथिंग इज अपडेटेड फ्रॉम आर बैक एंड देन सो यू कैन इधर यू कैन डायरेक्टली चेक फॉर बेस्ट सी आर डायरेक्टली चेक

टू अस अभी एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन ट्रेल ट्रेल ये भी एक क्वेरी था कि सर हाउ टू ट्रेल माई एस एल हाउ टू एग्जीक्यूट द ट्रेड सो आई गेस एग्जीक्यूशन तो हमारा क्लियर है कि रेड एंड ग्रीन बॉक्स हो गए डॉट्स हो एस एल तो भी आपका क्लियर है कि हमें रेड बॉक्स के नीचे एस एल रखना है तो अगर समझो ये चंबल फर्टिलाइजर का ट्रेड है फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट कैंडल ही इतना बड़ा बन गया तो आप इतना बड़ा उसके बाद एग्जीक्यूट करना इट ड मेक्स अ पॉइंट सो एच एल वॉज अ गुड एग्जाम्पल जहाँ पे इट इज ओपन जस्ट नियर टू आई गेस या तो ये आपका रेड बॉक्स हो गया है यहाँ पे रेड बॉक्स के जो नीचे हो जाता है वो आपका एस का जोन हो गया ठीक है अभी सेम वेज अगर आप देखोगे इसके अंदर तो हाउ टू टेक योर ट्रेड एंड हाउ टू ट्रेल योर एस एल डेट इज द मेन क्वेरी विच वी हैव ऑल्सो तो यहाँ पे आपका ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर हो गया ये आपका ब्रेकआउट कैंडल हो जाता है ठीक है रेड बॉक्स का ये हाई था यहाँ पे आपका ब्रेकआउट कैंडल हो गया उसके बाद पूरा स्विंग मार के यहाँ पे इसने रेड बॉक्स का हाई ब्रेक कर दिया सो दिस इज योर इनिशिएशन जोन पूरी क्वांटिटी आपकी जाएगी यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका जो एस एल होगा वो या आपका स्विंग लो हो सकता है या बेसिकली अभी देख सकते हो यहाँ पे रेड डॉट्स है अभी रेड डॉट्स जैसे आप देखो कह रहे सर रेड डॉट्स है थोड़ा डर लग रहा है यहाँ पे क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए तो रेड डॉट्स के लिए हमने क्या बताया यहाँ पे एक जोन बनने दो कुछ भी रेंज बनने दो फिर जब डाउन अभी देखो ब्रेकडाउन आता भी है तो क्या लेवल है यहाँ पे प्रेजेंट मैक्स कॉल ओवा मतलब इसको फिर से एक बार नीचे एक बैरिकेडिंग है कि यहाँ पे बेसिकली फिर एक बार ये रुकेगा तो मेरी अगर मुझे ब्रेकडाउन ट्रेड प्लान करना ही है इसके ऊपर तो आई विल जस्ट टेक माय रेंज टू दिस पर्टिकुलर जोन तो इसके अंदर अगर रेंज बनती है और फिर इसके बाहर मतलब मैक्स कॉल ओआई लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन देना स्टार्ट करेगा दैट टाइम यू हैव द बेस्ट कैसरियो टिल यहाँ पे क्या करेगा सपोर्ट लेगा फिर एक बार ऊपर जगह बट द बेस्ट कैस सीनियर वॉज दिस जहाँ पे आपका ब्रेकआउट भी कन्फर्म हो जाएगा ये रेड डॉट्स वाले सेलर्स भी जो लाइफ में थे ये लोग भी ट्रैप हो गए ऑल ऑफ अ सडन एक बाइंग आ गया और ये मूव क्यू आ जाते क्योंकि दिस इज अट कवरिंग ऑलरेडी रेड बॉक्स ट्रैप हो गए राइटर्स हो गए और वो अपोजिट साइड पे इट विल रिमूव रैपिडली इन योर फेवर हमेशा अभी इसके अंदर आपका ये स्टॉप लॉस हो गया ठीक है स्टॉप लॉस आपकी स्विंग लो हो गई हार्डली विद इन वन परसेंट है समझो आपका ट्रेड ऊपर गया उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट हो गया अभी आप ये नहीं स्टॉप लॉस रखोगे अभी आप क्या रखोगे ये जो स्विंग लो बन रहा है ये स्टॉप लॉस रख सकते हो या एटलीस्ट टेक योर स्टॉप लॉस टू योर एंट्री प्राइस मतलब इसके आगे मैं रिस्क नहीं करूंगा कोई भी ट्रेड में इवन इफ इट हिट्स दी स्टॉप लॉस आई एम इन टू जीरो रिस्क बट अगर आप फिर एक बार अगर यही रिस्क दे रहे हो मतलब इतना मूव होने के बाद भी अगर आप बड़ा रिस्क दे रहे हो तो यू विल जस्ट सी प्रॉफिट इन यूर बेसिकली क्या आपके पी एन एल में आप बैंक में देखोगे नहीं सो बस आप प्रॉफिट देख रहे हो प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो तो मतलब नहीं है तो आपको बुक भी करना है इसके साथ आप ट्रेल कर सकते हो आपके स्विंग लो या कैंडल टू कैंडल भी आप ट्रेल कर सकते हो तो दैट इज क्वेरी मोस्ट पीपल हैड की ट्रेल कैसा करना है सेल कैसा करना है सो आई होप दिस मच इज क्लियर लाइव मार्केट लाइव अलर्ट्स या सो सम यूजर्स हैड क्वेरी की सर लाइव अलर्ट्स क्यों नहीं आते रेड डॉट्स हो गए रेड बॉक्स हो गए सो गोइंग हेड वी आर कोडिंग सर्टन स्ट्रेटेजीज जहां पे आपको रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस या रेड एंड ग्रीन बैंड के लाइव uh, अपडेट्स आ जाएंगे जब भी प्राइस समझो फॉर एग्जांपल इफ द प्राइज इज क्रॉसिंग द रेड बॉक्स फाइव मिनट कैंडल क्लोज हो गई तो एटलीस्ट इट विल alert you ki that the price of your particular stock is crossed so you can at least have a look in into that trade if you are busy with your another query course or so but most important is that uh, uh, we are coding we are forward testing them so going ahead whenever we launch our uh, newer updates so that time uh, everything will be in place and most of your major queries will be uh, clarified by then basically. स्विंग ट्रेडिंग भी जैसे मैंने बताया पोजिशनल स्कैनर है तो पोजिशनल स्कैनर इज करेंटली अंडर डेवलपमेंट टिल देन वी आर जस्ट गिविंग जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी हमने एक अभी अपडेट दिया तो वी आर डायरेक्टली गिविंग यू इन वीडियो फॉर्मेट जहाँ पे आपको ये सारे हो गए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे यूजर्स को सर ट्रेडिंग टिप्स चाहिए कहाँ पे एग्जैक्टली exactly बताओ कि कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे सेल करने अभी दिक्कत क्या होती है ये ट्रेडिंग टिप्स में सी वी आर से नॉट ओपनली बिकॉज वी डोंट नो की हाउ मच टेक्निकल साउंड यू गाइज आर कि हाउ मच ऑफ टेक्निकल एनालिसिस यू गाइज है आप कितना रिस्क फॉलो करते हो कितने ट्रेड्स के साथ कितने लॉट में ट्रेड कर रहे हो सो सेबी डजेंट अलाउज टू डू काइंड ऑफ लाइव ट्रेडिंग अगर आप लाइव में अगर आप ओपनली ट्रेड कर रहे हो यूट्यूब चैनल पे हो गया या स्ट्रीम करो सो दैट इज नॉट एक्चुअली अलाउड इट इज इलिगल

कंटेंट uh, जहां पे आपको एग्जीक्यूशन पैटर्न भी दिख रहा है जहा पे आपको पता है कि रेड बैंड के ऊपर जब सस्टेन करेगा तब ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करना गो अगेंस्ट द मार्केट देन इवन ट्रेड क्लू नॉट हेल्प नॉट इवन अ बिगर एच एन आई ट्रेडर कैन हेल्प यू सो ये साइडवाइज ही रहेगा सो दैट टाइम वी हैव नो व्यू ऑन दैट सो दैट इज द मेन थिंग अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो कुछ चीजें तो ऑब्वियसली इविन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑल्सो कांट हेल्प यू गए सो ऑब्वियसली अगर कुछ एक्सिक्यूशन uh, पैटर्न है तो नो डाउट यू हैव टू फॉलो देम तभी जाके रिजल्ट मिलेगा तो अदानी जैसे स्टॉक्स हो गए या अभी ये हिंदुस्तान एरोनोटिक्स ये स्टॉक्स हो गए तो ये सारे मूव कब हो गए जब आपके फेवर में आप एग्जीक्यूशन प्रॉपर वे में वी डोंट नो की वॉट विल बी हैपनिंग सी वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स कि कल जाके ये होने वाला है राइट right? आई डोंट नो क्या जोरो फार्मा में मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है मेरा टीवीएस मोटर में स्टॉप लॉस होने रहा है बट विद बेस ऑफ यार लास्ट फॉरवर्ड टेस्टिंग बैकवर्ड टेस्टिंग अगर आप देखोगे तो वी एव स्टार्टेड फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी सेम फॉर्मेट है वही एक्सिक्यूशन है पुराने वीडियोस देखो नए वीडियोस देखो वही चीज चल रही है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट बिलीव इन योर सेटअप एंड नो डाउट नो सेटअप विल वर्क टेन ऑन टेन आपके हर ट्रेड्स प्रॉफिट में नहीं जाने वाले आपके हर रेड बॉक्स आपके फेवर में नहीं जाने वाले आपके हर ग्रीन बॉक्स आपके फेवर में नहीं जाने वाले सो ऑलवेज इवन इफ यू हैव सिक्स टू सेवन केसेस इन योर फेवर एज अ प्रॉफिट यू विल टर्न नो डाउट ऑन मंथ ऑन मंथ आपकी एक अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट हम डेली बेसिस पे हमें एनालाइज नहीं करना है मंथ ऑन मंथ पे देखो आप वन मंथ का आपने सब्सक्रिप्शन लिए आपने प्रॉपरली फॉलो अप रखा है उस पर अगर आपने रखा है तो मेक अ ट्रेड बुक एंड सी सी इफ यू आर डूइंग इट एज अ प्रोफेशन ऑब्वियसली विल सीरियस इन दैट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप फॉलोअप रख रहे हो तो इट विल बी द बेस्केट सीनेरियो टू एन क्योंकि जो भी हमारे रिन्यूअल ट्रेडर्स है जो लोग फॉलो थ्रू कर रहे हैं तो ऑब्विस्ली दे आर डूइंग ग्रेट इन देर ट्रेडिंग बट मोट इम्पॉर्टेंग फॉलोइंग अप विद ट्रेड्स और जो भी हमें रिव्यू मिलता है तो इट इज मोर ऑफ अ पॉजिटिव अगर आप देखोगे तो ओपनली पीपल हैव गिव इन दोज रिव्यूज विदाउट एनी हेजिटेशन जो आपको प्रीमियम ग्रुप में भी लिंक दी थी तो जहां पर आप मोस्ट आप यूजर्स के देखोगे तो दे आर सेंगे दे आर गुड विद द लेवल सो वाई दे आर गुड विदल्स बिकॉज दे आर बीन फॉलोइंग अप विद दो थिंग्स तो जब भी आप एक प्रॉपर वे में ट्रेड करो तो ऑब्वियसली विट दोजल्ट फ्रॉम द मार्केट बट पूरा एक डिसिप्लिन फॉर्मेट में चाहिए जब भी आप करोगे ट्रेड्स तो ऑब्वियसली इट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो इन योर फेवर तो लेट्स चेक और कोई क्वेरीज थी हमारी फेमसली बेसिकली आस्क क्वेश्चंस में तो वेबिनार एंड प्रीमियम ऑब्वियसली जो लाइव डेमोस है तो जो डेमो आईडीज जिन्होंने ज्वाइन किया है तो डोंट हैव लाइव एक्सेस टू द है तो सिर्फ प्रीमियम आईडीज को लाइव एक्सेस है क्योंकि सर्वर इशूज है बहुत सारी आईडीज क्लोनिंग हो रही है हमने चेक किया कि बहुत सारे स्पैम्स होते हैं आईडीज सो so, उसके कारण हमने डेमो आईडी डिलेट डेटा दिया है मतलब आपको अगर करना है तो प्रीमियम आई कर लो बिकॉज देर इज मेनी पीपल हु आर स्पैमिंग मेंबर्स सो दैट इज नॉट आर केस हमारे एंड से बस दो तीन मेंबर्स है जो कॉल करते हैं जहाँ पे फॉलोअप कॉल होता है या सपोर्ट कॉल होता है तो यू कैन ओनली कनेक्ट ऑन दोज अगर कोई भी आपको व्हाट्सऐप uh, पे हो या कोई भी मीडियम से अगर आप

मेनी uh, uh, ट्रेडर्स साथ कनेक्ट भी करते हैं वो इन क्यू एन ए हो सो कनेक्ट विथ यू सो दीज आर दाइज विथ यू ऑन सपोर्ट बेसिस और जिनोंने भी, uh भी जिनको और भी डिटेल में जैसे वी हैव जहा पेट इज ऑल्सो लिस्टेड ऑन दी एन एस सी वेबसाइट वी है ऑफर पीरियड We uh, जैसे आपको पता है अभी ऑफर पीरियड चल रहा है विच विल गो ऑन टिल ऑगस्ट एंड तो जहाँ पे हमने ये कोर्स आपको फ्रीली अवेलेबल दिया था ओनली फॉर सिक्स मंथ एंड ईयरली सब्सक्राइबर्स तो अगर आपने सिक्स मंथ या इयरली प्लान सब्सक्राइब किया है तो डोट सो मेक श्योर यू आर गेटिंग दिस कोर्स एक्टिवेटेड इन योर लॉग इन्स तो जिन्होंने भी जिनको भी कोर्स एक्सेस चाहिए जो लोग सिक्स मंथ और ईरली सब्सक्राइबर्स है एंड गाइज़ आर रिन्यूइंग बेसिकली तो उनको भी ये बेसिकली मिल जाएगा सो तो जो लोग सिक्स मंथस और ट्वेल्व मंथ्स के लिए रिन्यू कर रहे

आस बेल। well. uh, आपको अगर ये कोर्स चाहिए सर तो यू जस्ट कनेक्ट विथ दी सपोर्ट टीम ओवर इयर। इफ यू हैव टेकन सिक्स मंथ और यूरली प्लान इट विल बी गिवन टू यू दी एक्सेस विल बी गिवन टू यू। आह सो लेट्स सी आज कोई चैट में सो आई होप मोस्ट ऑफ़ आर क्वेश्चंस आर कवर्ड ट्रेडिंग सेगमेंट्स अवेलेबल ऑन ट्रेड ओके, सो मेनी यूजर्स हैड दिस क्वेरी की सर कॉमोडिटी हो या फॉरेक्स हो वर्क करता है तो फिलहाल कमोडिटी एंड फोरेक्स में ट्रेड क्लो इज नॉट अवेलेबल इक्विटी दैट इज ओनली स्टॉक्स विच आर अंडर दी एफ एन ओ सेगमेंट मतलब जो स्टॉक्स एफ एन ओ के अंदर है उनके बेसिकली आपको स्पॉट साइज वगैरह दिखते हैं उनके इंट्राडे चार्ट लाइव में दिख जाते हैं डेली चार्ट उनमें दिखता नहीं है कभी कभी बट क्योंकि आ, लाइव में इट इज मोर ऑफ ये कि आपको अगर वो प्राइस पॉइंट में इफ यू आर अवेलेबल मेकिंग यू अवेलेबल द प्रोडक्ट ऑब्वियसली वी हैव टू गिव अप सर्टन फीचर्स विच वी कैनोट मेक इट लाइव एंड विच इज वाई वी हैव टू कट डाउन दैट कॉस्ट आपको लाइव चार्ट मिल रहे हैं इन प्रॉपर वे में जो आपको दो सौ तीन सौ स्टॉक जो एफ एन ओ सेगमेंट में दैट इज प्योरली गिविन टू यू क्योंकि उसमें लिक्विडिटी भी है इंट्रा डे में कैश सेगमेंट में ट्रेड करके वैसे भी कुछ मतलब है नहीं सो प्रीमियम कोर्स हो गया एडुकेशनल वेबिनार ट्रेडिंग सो जो भी इंट्रा डे के लिए प्रीमियम में एडेड है सो मेक श्योर यू चेक दी इफ यू आर नॉट देयर इन दी लाइव एक्सेस अगर आप लाइव में नहीं बैठ पाते तो ऑब्वियसली वी अप इन दी अ यूट्यूब चैनल अनलिस्टेड वीडियो रहता है तो आपको चैनल पर नहीं मिलेगा आपको ग्रुप में एड होना चाहिए तो उसमें आपको ग्रुप में लिंक मिलेगी और जो लोग ग्रुप में एडेड है मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत सारे यूजर्स को लिंक जो है वो इस प्रकार के दिखते हैं तो अगर आपको लिंक इस प्रकार के दिख रहे तो एक्चुअल में व्हाट्सएप का ग्लिच है आप हमारा नंबर सेव कीजिए जो नंबर यहाँ पे मैंशन किया गया है आपको वो नंबर सेव कीजिए ताकि आपको जो थंबनेल uh, जो है वो ऐसे प्रॉपर वे में दिख जाएगा और आप प्रॉपर वे में वो लिंक पे क्लिक कर पाओगे नहीं तो क्या होता है वो क्लिकेबल लिंक नहीं आता है बहुत लोगों को क्योंकि उन्होंने नंबर सेव नहीं किया या तो व्हाट्सएप अपडेट नहीं किया सो दैट इज अ क्वेरी फ्रॉम दी व्हाट्सऐप इशू एक्चुअली और उसके कारण

ये आपका एक लेवल है ग्रीन बॉक्स का क्योंकि आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट है कहाँ पे भी ब्रेकआउट हो सकता है ऊपर की प्रोबेबिलिटी हाई थी बट अगर समझो ये आपका लेवल है अगर आपको पता है इसके बाद कौन सा लेवल आ जाता है ये लेवल आ जाता है तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली exactly यहाँ पे आपका बाउंस बैक आना स्टार्ट हो गया तो ये आपका अब नेक्स्ट हर्डल होगा तो हर्डल आपको देखने तो बस आप रेड एंड ग्रीन बॉक्स के ऊपर भी देखोगे ना यहाँ से गिरेगा तो कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा अगर यही चीज अगर यहाँ पे रहती थी ग्रीन बॉक्स तो वो यहाँ पे ही अटकने के चांसेस ज्यादा हो गए अभी देखो यहाँ से ही क्यों बाइंग आई ये तो आपको ग्रीन एंड रेड बॉक्स तो पहले ही मिला है बराबर तो यहाँ का जो बायर है तो ऐसे ही बैठा नहीं है विल बी ट्राइंग टू डिफेंड दिस पोजिशन और आप देख सकते हो क्विक में छोटी बाइंग भी आ जाती है यहाँ पे बाइंग कैंडल आ जाती है मतलब कंटिन्यूस यहाँ पे फॉल आया फिर यहाँ से ही क्यों बाउंस आया क्योंकि वहां पे ग्रीन बॉक्स का लो प्रेजेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको हमेशा एक लाइंस मार्क करो और आप रैंडमली कोई भी स्टॉक चूज करोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कैसे बेसिकली आप ट्रैक कर सकते हो इस पर्टिकुलर चार्ट uh, स्कोर उस तो वो आपको सबसे ज्यादा करके बेनिफिट आप रैंडमली बॉक्स अगर आपको ये स्टॉक्स मिल रहे ब्रेकआउट के स्पेशली तो ब्रेकआउट तो बेस्ट के सिनेरियो अभी जैसे ये हो गया यहाँ पे डायरेक्टली रेड बॉक्स और क्या निकला मैक्स कॉलोआई निकला और उसके साथ ही साथ आप देखो रैपिड मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी है तो ऑब्वियसली एक्सिस बैंक कम्पोनेंट है निफ्टी बैंक का तो इट हैज गॉन ग्रेट इन योर फेवर तो ये सारे स्ट्रक्चर्स बने गए अभी देखो पीडी लाइट आई गेस बहुत पहले हम देख रहे थे बहुत साइडवेज मूवमेंट में था ये स्टॉक्स साइडवेज आप आज तो डायरेक्टली गैपअप हो गया बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो ये रेड बॉक्स ये रेड बॉक्स सारा निकल गया फर्ट ही कैंडल में इतना बड़ा ऑब्वियसली यू नॉट ट्रेड दिस बट यू कैन सी व्हाट इज द इम्पैक्ट हैर्टिकुलर स्ट्रक्चर इतने दिन ये साइडवेज तो और जैसे ही ये लोग ट्रैप हो गए पुट ओवा का प्रेशर मतलब ऊपर का प्रेशर है और स्ट्रेट अवे इट हैज गॉन इन योर फेवर सो ये कभी ना कभी समझो ये दिन एक्जीक्यूट नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे ऑल्सो यू कैन ट्राइक अभी आई गेस टीवीएस मोटर है आप आज देखोगे तो टीवीएस मोटर क्या हो रहा है साइडवेज ही है तो टीवीएस मोटर इवन इफ यू आर थिंकिंग कि मैं कल जाके अगर इसके ऊपर भी ट्रेड लू स्टिल इट इज ओके वाई बिकॉज होता है ना तो selling इतना तो ब्रेकआउट ब्रेक देना स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज अ गुड अप साइड इन प्लेस तो ये भी हो सकता है नो डाउट सो ब्रेकआउट का यही एक एडवांटेज रहता है कि आप दो या तीन दिन के लिए वो स्टॉक आपके बेसिकली आप रडारे रख सकते हो ताकि आपको एक फॉलो आपके ट्रेड्स प्लान आउट हो सकते हैं सर चेक इनफो इनफी सो इनफी कुछ नहीं यहाँ पे देखो जैसे हर्डल है क्या है रेड बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स यहाँ पे आके अभी गैप जोन टेस्ट कर रहे हैं तो दिस इज अ गैप थियरी जहाँ पे गैप अप होता है और फिर गैप फिल करने के लिए देखता है सो दिस इज नो सेटअप

सी रविंद्र जी कोर्स बेसिकलीस वेल बट ऑब्वियलीर्स इन्वॉल्व अगर आपको आपको लाइव में कोर्स अटेंड करना है इंटरक्ट करना है मिंटर के साथ तो ऑब्वियसलीव टू एनरोल फॉर दैट कोर्स जस्ट कनेक्ट ऑन दी सपोर्ट नंबर एंड टेक दिटेल्स फ्रॉम हिम थैंक यू फॉर एक्सेलेंट सेशन एक्सीन ऑफर या बेसिक एजेंडा यही है कि हमारा इफ यू गाइज स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द टूल इट विल भी द बेस्ट सीनेर यू गैस बिकॉज यू गैज हैव पेड फॉर अस एंड यू गाइज हैसली इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एफर्ट्स एंड मेक यू अंडरस्टैंड तो एजेंडा यही है कि जब आप प्रॉपर वे में समझोगे तो इट विल बी अ क्लियर कट सीनेरियो फॉर यू गैस टू नॉट मेक मिस्टेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे ट्रेडर्स मिस्टेक्स बहुत करते हैं अभी जैसे एयू बैंक जस्ट रैंडमली अभी स्टॉक खुला था मैं आप दिखा रहा हूँ ये क्या हो गया यहाँ पे रेड डॉट से रेंज बन गया और ब्रेक डाउन आ गया तो दिस

गोदरेज प्रॉफिटी आपका कब का ट्रिगर हो चुका है और हमने लाइव सेशन में भी मेंशन किया कि एक बार ये कंसोलिडेशन निकलने वाला है 1578 के ऊपर तो इट एज़ ऑलरेडी ट्रिगर फर्स्ट हर्डल आपका सिक्सटीन हंड्रेड है एक बार ये मैक्स कॉल ओआई का लेवल कट हो गया तो 1627 और ये गैप जोन फिल करने चले जाएगा सो इट इज ऑलरेडी ट्रिगर्ड गणेश जी यू चेक दी लाइव अनालिस So I hope today's session was pretty much clear and uh, the recordings will be available on our YouTube channel later on by today or mostly by tomorrow. Uh, the video will be shared uh, with you in the premium group. If you're a premium user, if you're demo users, it will be shared with you in the demo groups. So you can go through it again later on. If bit are doubts, obviously make sure you come up to our support team. WhatsApp, karo, call, karo. call. Calling time is between 9 a.m. to 6 p.m. So try to call within those hours.

कुछ भी डाउट्स रहते तो क्यू एन ए सेशन होते हैं आपके एवरी डे ऑलमोस्ट फॉर डेमो यूजर्स स्पेशली डेमो यूजर्स को बहुत सारे डाउट्स हो गए तो नो डाउट यू कैन कनेक्ट ऑन द क्यू एन एज वेल ओके देन विल कनेक्ट लेटर ऑन नेक्स्ट वीक देन स्टे कनेक्टेड गुड बाय